कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में सबको इंतजार है वैक्सीन का यानी टीके का। दुनिया इंतजार कर रही है। दुनिया में तकरीबन 12 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो थर्ड फेज में पहुंच चुकी है। 4 कंपनियां भारत में है और उसमें से एक कंपनी जो है पुणे में है, जिन्होंने दावा किया है कि हाँ उनकी टेस्ट यानी उनका वैक्सीन भी कारगर साबित हो रहा है। तो हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति है, एक ऐसे वॉलंटियर है जिन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले इस जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें हिस्सा लिया था। उनसे बात करते हैं, उन्हें क्या कहना है, 2 महीने का अनुभव उनका क्या रहा है। सर क्या कहेंगे, जो कहा जा रहा है कि एंटीबॉडीज निर्माण होना, 2 महीने बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं या आप अभी भी हेल्दी महसूस कर रहे हो? देखिए, पहला डोज मुझे 24 अगस्त को दिया गया, उसके बाद 28 दिनों के बाद 23 सितंबर को मुझे दूसरा डोज दिया गया। दोनों डोज लेने के बाद मुझे थोड़ा सा फीवरिश या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा मुझे बदन का दर्द हुआ। टेम्परेचर मैंने चेक किया था बट उसमें फीवर नहीं था। तो उसके लिए हमें पहले ही बताया गया था कि ऐसा इफेक्ट हो सकता है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। तो उसके अलावा मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। पहला डोज देते से ही इस तरह का फीलिंग हुआ? हाँ। और वो फीलिंग कितने दिन रहा? पहला डोज देने के बाद 24 घंटे के अंदर मुझे थोड़ा सा वैसा लगा। फिर मैंने उसके लिए मुझे जो पैरासिटामोल का टैबलेट दिया गया था वो लिया और 24 घंटे के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। दोनों डोज के बाद 24 घंटे के बाद कुछ तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ 1-2 गोली मुझे लेना पड़ा। पर ये जो 2 महीने बीत चुके हैं, ये 2 महीने के भीतर आपको क्या कुछ लगा है? आपका जो कामकाज है रोजाना, उसके अंदर किस तरह का फीलिंग आ रहा है? जो एनर्जी लेवल है उसमें कुछ कटौती हुई है या एनर्जी लेवल बढ़ गई है? और कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए। एनर्जी लेवल या मेरे काम में तो कुछ फर्क नहीं है, मैं जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही अभी भी कर रहा हूं, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मेरा रूटीन जो है वो काम सब अच्छी तरह से शुरू है। और दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंस के बारे में बात करोगे तो मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूं, इसका न्यूज। तो मुझे अच्छा लगा कि जब ये न्यूज मैंने पढ़ी कि सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो अराउंड 80% इफेक्टिव है, तो मुझे अच्छा लगा वो सुनकर कि मैंने जो उस वक्त निर्णय लिया था कि ये वैक्सीन की ट्रायल में मैं हिस्सा लूंगा, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात हुई है समाज के लिए भी। और ये पूरी महामारी तो पूरी दुनिया में फैल रही है, तो उस पर कुछ तो रोक लगाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। जैसे आपने बताया कि वैक्सीन डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं, इस बार तकरीबन 6-8 महीने के भीतर ही वैक्सीन आना शुरू हो गए या उनके जो फर्स्ट सैंपल से वो आना शुरू हो गए, तो इतने जल्दी में आपने निर्णय कैसे के लिया कि नहीं मुझे ये वैक्सीन खुद लेकर ही देखना है? इसमें 2 तरह की मैंने सोच रखी थी। एक तो पहले भी मैं ऐसी एक ट्रायल में हिस्सा ले चुका हूं स्वाइन फ्लू की, उस वक्त भी मैंने वैक्सीन लिया था पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद। साइंस में मैं विश्वास रखता हूं क्योंकि मुझे इतना पता है कि साइंस के अलावा कोई हमें उपाय नहीं बता सकता। बाकी लोग या बाकी चीजें जो है हम विशफुल थिंकिंग बोल सकते उसको, तो वैसा मुझे नहीं चाहिए था। मुझे साइंस में भरोसा है और साइंटिफिक मेथड जो है कि आप किसी चीज का प्रयोग करके उसको सिद्ध करते हो, तब आप उसका कुछ एविडेंस या कुछ उसका कुछ जो भी आपका जो आंकड़े होते हैं वो जब हमारे सामने आते हैं। तो इसमें से यही पता चला कि जिस तरह से ये वैक्सीन का ट्रायल आगे जा रहा है ये टेक्नोलॉजी की वजह से जा रहा है, क्योंकि इतना फास्ट जो आगे जा रहा है ना, ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी जो है या डीएनए या मॉलिक्यूलर मेडिसिन में जो हमने प्रोग्रेस किया है आज तक, उसकी वजह से हम ये वैक्सीन इतना फास्ट डेवलप कर पा रहे हैं। और उसमें भी हम सेफ्टी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी इज द फर्स्ट इश्यू, इसलिए हमने सेफ्टी ट्रायल में हिस्सा लिया कि वैक्सीन से कुछ जान को तो खतरा नहीं है, वैक्सीन से कोरोना तो नहीं हो रहा है या और कुछ गुर्दे पर या लीवर पर या दिल पर कोई गलत असर तो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने हिस्सा लिया। क्योंकि हमें पता था कि ये साइंस का जो मेथड है ये इसमें हम विश्वास रख सकते हैं, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया।
जो सामने आया एक बात के एक व्यक्ति ने थोड़ी शिकायत की कि उसे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उससे कुछ तकलीफ हुई है, उसके शरीर पर विपरीत परिणाम हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 1600 में से एक व्यक्ति ने ऐसी शिकायत की है। मैंने भी थोड़ा उस बारे में सुना, पर मुझे वो जो न्यूज है वो पूरी पता नहीं है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कभी कभी कोइंसिडेंस होता है। जैसा हम बोलते हैं ना कि कौवा बैठा पेड़ की शाखा पर और वह शाखा टूट गई, ऐसा होता है, कभी कभी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। ये वैक्सीन का इफेक्ट है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए भी कुछ दिन जाएंगे कि यह वैक्सीन की वजह से हुआ था क्या सच में, यह प्रूव करने के लिए भी, या अपने आप भी किसी को हो सकता है। 2 महीने के भीतर जो 1600 वॉलंटियर्स है उनके ऊपर क्या कुछ नजर रखी जा रही है, क्या कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ये पता चले कि इसकी इफेक्टिविटी कितनी है? अभी हमारा जो सेफ्टी ग्रुप था उनमें 2 बार आरटीपीसीआर किया गया, जब जब हमने डोज लिया तब, कि हमें कोरोना तो नहीं है, और कोरोना नहीं है इसलिए हमें वैक्सीन दिया गया। और हमारा सेफ्टी ग्रुप है तो हम पे नजर रखी जा रही है, हर महीने में हमारा फॉलोअप लिया जाता है, हमारा चेकअप किया जाता है बॉडी का। ब्लड इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं किए हमारे सेफ्टी ग्रुप के, हमें सिर्फ इसके लिए मॉनिटर किया जा रहा है कि हमें कुछ जानलेवा या जान को खतरे वाला कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ है ये वैक्सीन का, इसलिए हमारा हर महीने चेकअप हो रहा है। बट अगला जो ग्रुप है फेज 3 का, उनमें सभी का एंटीबॉडीज टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये वैक्सीन से एंटीबॉडीज कितने बन रहे हैं इसके लिए। आपको उत्सुकता नहीं है कि आप में एंटीबॉडीज आए हैं या नहीं, ये जरा आपको भी पता चले? जरूर, मुझे भी खुद की उत्सुकता है, पर हमारे ट्रायल का हिस्सा नहीं था। अगर मैं चाहता हूं तो लैबोरेटरी में मैं मेरा टेस्ट करवा सकता हूं, पर मैं मेरे रिसर्चर्स को पूछूंगा कि ऐसा करना जरूरी है या ऐसा करना मैं कर सकता हूं क्या, क्योंकि इसमें कुछ लीगल चीजें होती है, तो वो मुझे पूछकर फिर मैं अगर, और मेरा काम भी बहुत होता है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगा ऐसे। पर मैं उसमें पूरा कायदे का सहारा लेकर या जो भी सही है एथिकली वही करूंगा, मेरे इन्वेस्टिगेटर्स को मुझे पूछना पड़ेगा। पर आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपने जो काम किया है, जो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर लिया है, जो कि ट्रायल पे है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस जीने का, जिस प्रकार से लोग तो जी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि हमें कहीं कोरोना हो न जाए, वैसा आपको डर है या नहीं? इसमें 2 बातें हैं, एक तो मैंने ये सोचकर ये वैक्सीन लिया, एक तो साइंस की हेल्प करनी है, दूसरी बात पूरा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला उससे इतना तो पता था कि ये वैक्सीन सेफ है, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपको इफेक्ट नहीं आएगा, जानलेवा साइड इफेक्ट इसका कुछ होगा नहीं, ये हमें पता था यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस पर से कि ये किस तरह से बनाया गया है वैक्सीन और इसके क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स है, क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, तो जानलेवा साइड इफेक्ट तो नहीं है इतना पता था, इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस था। और दूसरा, अब जो हमें पता चल रहा है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट पब्लिश किए हैं कि वैक्सीन इज मोर देन 80% इफेक्टिव, तो वो बात सुनकर अच्छा लग रहा है कि एक तो हमने साइंस में कुछ योगदान दिया और दूसरी बात हमें भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा उससे हुआ है। तो आप मास्क कब निकालने वाले हो? मैं तो अभी तो मैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मुंह को हाथ न लगाना, ये सभी प्रिकॉशंस मैं ले रहा हूं, क्योंकि ये महामारी ही नहीं है, ये महामारी आके 1 साल अभी होने को है, तो हमें सब कुछ पता नहीं है। वैक्सीन का इफेक्ट भी कितने दिन या कितने महीने कितने साल रहेगा ये हमें पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, ये साइंस इन प्रोग्रेस है, ये धीरे धीरे पता चलेगा कुछ चीजें, इसलिए मैं मेरी प्रिकॉशंस लेना बरकरार रखूंगा। तंदुरुस्त महसूस कर रहे हो? जी, पूरी तरह।